हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम नोबेल पुरस्कार 2022 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार इनकी जो शुरुआत की गई थी 1901 में की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। तो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। तो यहीं से इनकी शुरुआत हो जाती है। बेसिकली ये छह क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के में, रसायन शास्त्र, शांति। और क्या बोलते हैं, शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार थे पांच क्षेत्रों में दिए जाते थे, पांच क्षेत्रों में। लेकिन जो छठवा जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो 1968 से शुरू किया गया है, ठीक है। और जो पांच क्षेत्र हैं शांति को छोड़ करके, जैसे शांति का पुरस्कार जो नॉर्वे तरफ से दिया जाता है, जिसकी राजधानी ओस्लो है, वहाँ से। तो पांच क्षेत्रों में जो पुरस्कार है शांति को छोड़ करके, वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं, चिकित्सा में जो मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को मिला है। जैसे एक अपने ट्रिक से याद करते हैं, स्वांते पाबो, पाबो ने पा लिया है, इसमें बा शब्द आ रहा है ना, बायो, बायो ऐसे, यानी जो बायो से संबंधित है, यानी मेडिसिन से संबंधित, स्वांते पाबो को मिला है पुरस्कार। इन्होंने क्या किस क्षेत्र में मिला है, क्या किया है, मानव के क्रमिक विकास पर खोज की है इन्होंने। आता है अर्थशास्त्र पर, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। इन यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया तीन लोगों को दिया गया, डगलस डायमंड, बेन बर्नानेक और फिलिप डायबोबिग, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कैसे देख सकते हैं अपन, डायमंड बेन हो गया डायना, ठीक है। कोई लड़की है कि डायना, तो उसको बोल रहा है कोई बंदा कि डायमंड बेन हो गया है डायना। तो डायमंड से ये हो गया डगलस डायमंड, बेन बर्नानेक और फिलिप डायबिग से डायना हो गया। जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया था उसको नाम से जाना जाता है, स्विर्जिस रिस्क बैंक प्राइज। और ये किस दिया गया, बैंक और वित्तीय संकट पर अनुसंधान के क्षेत्र इसको दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया, एक तो एक पर्सन को दिया गया है, तो संस्था को दिया गया है। जैसा कि अपन पर पता हुआ है, रूस और यूक्रेन में बहुत घमासान युद्ध चला है, वहाँ पर शांति का माहौल बनाने के लिए मेमोरियल रूस की संस्था आएगी, सेंटर फॉर सिक्योरिटी यूक्रेन की संस्था है, शांति स्थापित का काम किया है, इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और एलियस बियालेट्स की को मिला है। शॉर्टकट इसका क्या हो सकता है, एलिस में क्यों बैठी हो, शांति के लिए, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक एलिस को मिला है, यानी रशिया में मेमोरियल को मिला है, क्यों बैठी हो, यानी यूक्रेन में लिबर्टीज को मिला है, और शांति लोग स्थापना करने के लिए दिया गया है। अगला है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखो, साहित्य अपन किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेखनी से लिखते हैं। लेखनी में क्या होता है, नोक होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें नोक आएगी, हाँ। तो एनी अर्नॉक्स को मिला है लेखन में साहित्य संवेदनशीलता दिखाने के लिए। अगला है रसायन शास्त्र में, मॉर्टन मेंडल को मिला है, कॉरोलिन बर्टोजी को मिला है, और बेरी थार्प्लेज को मिला है, और क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। देखो क्या बोलते हैं, जॉर्ज ग्रैन मेंडल को पढ़ते हैं ना, करते हैं, मेंडल का बेटा वेरी शार्प है, तुरंत क्लिक करता है। मेंडल वैज्ञानिक है, उनका जो लड़का है ना, बेटा है, शार्प है, हर बात को क्लिक कर लेता है, बन जाती है रसायन शास्त्र के क्षेत्र के लिए। तो मॉर्टन मेंडल, मेंडल से यहाँ पाया जाता है, कॉरोलिन बर्टोजी से बेटा बन जाता है, वेरी शार्प से वेरी शार्प प्लस बन जाता है, क्लिक करता है ये क्लिक से। अगला आता है भौतिकी के क्षेत्र में, एंटन जिंगलर, एलियन एस्पेक्ट और जॉन क्लोजर, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में लाया इनको, क्वांटम मैकेनिक्स की इन्होंने खोज किया है। तो एलियन अगर आया तो, एलियन अगर आया तो न्यूटन का जिंगल आलत है। तो न्यूटन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने कि ग्रेविटी वगैरह ही खोज की है, कि जो सेव ग्रह था उन्होंने पता लगा रहा कि भाई आकर्षण बल है, तो फिजिक्स से संबंधित है, पता लगा सकते हैं कि एलियन अगर आया तो इनका जिंगल आना तय है। तो एंटन जिंगलर से आता है एलियन एस्पेक्ट से एलियन आ जाता है, जॉन क्लोजर क्लोज से क्लोज आ जाता है, जिंगल आना तय।
नोबेल पुरस्कार द्वारा एक बार भाई फेस देख लेते हैं अपन। जो फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार है, एलियन एस्पेक्ट, जोहन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर इनको मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन बेटोजी और मॉर्टन मेंडल तो वेरी सरप्लेस मिला है। और बायोलॉजी के यानी मेडिसिन के क्षेत्र में शांति पाबो को मिला है। लिटरेचर क्षेत्र में यानी लेखनी सार पैगी, ठीक है, लेखनी सार पैगी एनी अर्नक्स को मिला है। और अगला है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार, दो हो गए, एक पर्सन हो गए, यानी एलिस ब्लैथ ब्लैथ्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अगला आता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, बेन बर्नैन बर्नैंक और डगलस डायमंड को, फिलिप टाइबिविक।